देखिए, परमवीर सिंह जी के हाथ में अभी कुछ नहीं है। जो वो परेशान कर सकते थे उन्होंने परेशान किया। अब बारी अर्णव गोस्वामी जी को है उनको जवाब देने की। अब उसका जवाब जो है अर्णव गोस्वामी जी दे रहे हैं। जिस प्रकार से मैंने उनकी लाइव सुनी है, अर्णव गोस्वामी जी जिस प्रकार से बोल रहे थे कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, यानी बहुत बड़े राज हैं जो उनके पास बतौर सबूत है। लेकिन अर्णव गोस्वामी जी मूर्ख नहीं है जो पहले चिल्ला चिल्ला कर दुश्मनों को सतर्क कर दे, वो धीरे धीरे सबके राज खोलेंगे। प्रदीप भंडारी लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं कि उनको मुंबई पुलिस फंसाने की साजिश कर रही है, उनको जेल भेजने की कोशिश कर रही है, और उन्होंने सीधा निशाना साधा है परमवीर सिंह पर। तो पूरे मामले को कैसे देखते हैं? मैं परमवीर सिंह जी से कहना चाहती हूँ, अभी अभी उन्होंने रिपब्लिक भारत पर प्रश्न लगाया था कि 500 रुपए देकर और जो है टीआरपी खरीदा जाता है, उन्होंने ये आरोप लगाया। बल्कि जो वहाँ की एफआईआर थी उसमें इंडिया टुडे दिल्ली आज तक का था, 5 लाख रुपए जुर्माना उनको देना पड़ा। इस प्रकार से वो किसी भी पत्रकार की, चूंकि मैं भी एक पेशे से पत्रकार हूँ, और अगर हमारे किसी भी पत्रकार के ऊपर कभी भी कोई भी बात आती है तो उसके लिए हम लोग समर्थन, हमें जो न्यूज़ मिलती है हम उसको प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको मैं स्पष्ट तौर पर कहूँ कि पत्रकार क्या है, तो पत्रकार वह एक दर्पण है जो जैसा दिखता है। अगर आप मोदी जी को गाली देंगे तो मैं मोदी जी को गाली ही आगे प्रदर्शित करूंगी, और अगर आप मोदी जी को देवता कहेंगे तो मैं देवता ही प्रदर्शित कर दूं। पत्रकार की व्यक्तिगत कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होती है। उनको प्रदीप भंडारी जी को जो भी कार्य मिला उन्होंने उसको पूरा करा, और ये मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है परमवीर सिंह जी की बात तो सुनिए, जिसमें प्रदीप भंडारी जो है वो बार बार उनको यही एक ही चीज कह रहे हैं कि मुझे फंसाने की साजिश हो रही है, या कहीं ना कहीं वो मानसिक, आखिर पत्रकार आत्महत्या क्यों करता है? वो अपने खबरों के द्वारा इस प्रकार से उसको फंसा दिया जाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन एकदम खो देता है, उसे पता ही नहीं चलता कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, और वो एक आत्महत्या की ओर कदम रखता है। कभी अगर भगवान ना करे, भगवान राम ना करे कि अगर प्रदीप भंडारी जी आत्महत्या करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? वो एक पेशे से पत्रकार है, उनको काम दिया गया, उन्होंने काम किया, उनकी जिम्मेदारी वहीं तक थी। बार बार पुलिस प्रशासन से बार बार उनके घर फोन करना, लीगल नोटिस भेजना मानसिक रूप से उत्पीड़न का केस बनता है। मैं माननीय भंडारी जी से मांग करती हूँ, उनको उनसे निवेदन है कि अगर आप ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं तो आप तुरंत जो है जाकर, और जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है उसके खिलाफ जो है आप अपना पॉइंट जो है वहाँ दर्ज करें, और अपनी बातों को वहाँ कहें कि किस प्रकार से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके दबाव में वो काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी आपको स्पष्ट तौर पर, ये कांग्रेस जो है ना पिंकी पप्पू की जोड़ी, इस पर टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए, आप अगर सुशांत सिंह राजपूत के अगर केस को आप डीपली देखिए, तो पहले उसको इस प्रकार से कहा गया था कि उन्होंने आत्महत्या की। लेकिन जब रिपब्लिक भारत ने उस मुद्दे को पकड़ा और एक एक चीज वहां से नोटिस की गई, आप रिपब्लिक भारत का हाथरस केस देख लीजिए, जहां पर एक तरफा जजमेंट दे दिया गया था कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी जीभ काट दी गई, उसके साथ ये हुआ, वहां पर भाभी नकली पाई जाती है, उसका संबंध उस भाभी का चंद्रशेखर रावण के साथ है। सोशल मीडिया पे उस फोटो को बहुत ही ज्यादा वायरल किया जा रहा है जिसमें चंद्रशेखर रावण के साथ वो खड़ी है। नकली भाभी वामपंथी विचारधारा से कुपोषित एक महिला को उसकी भाभी बनाकर भेज दिया जाता है, और प्रियंका वाड्रा जो है उनको गले लगाती हैं ताकि दलितों की वो सहानुभूति ले सके। लेकिन मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कहती हूँ, मैं कामनी झा, आप हमारे किसी भी सनातनियों को बरगलाने का प्रयास मत कीजिए। आज हमारा दलित और शोषित वर्ग इतना पढ़ लिख कर आगे सक्षम हो गया है कि आपकी इस दोगले राजनीति और वोट बैंक की राजनीति में नहीं आने वाला। आपने मैडम टीआरपी मामले में भी देखा होगा, एफआईआर इंडिया टुडे पर होती है, लेकिन परमवीर सिंह उस पर कार्रवाई करने के वजह उसको क्लीन चिट दे देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आज तक से परमवीर सिंह का क्या रिश्ता है? मैं बता तो रही हूँ, आज तक केस में सुशांत सिंह राजपूत का आप मामला देखिए, रिया चक्रवर्ती को आज तक चैनल में बिठाकर इस प्रकार से उसको वो किया गया कि ओ माय गॉड शी इज वेरी इनोसेंट गर्ल, बल्कि रिया चक्रवर्ती उस केस में खुद ये मानती है कि उसने ड्रग्स दी, वो खुद कम मात्रा में लेती थी लेकिन उसको ज्यादा मात्रा में देती थी, जिससे इंसान हिप्नोटाइज हो जाता था, उसे वास्तविक यथार्थ में और अपने पूर्व जीवन में उसको भेद करना जो है उसको बहुत मुश्किल हो गया था। वो धीरे धीरे ही इज गोइंग टू बी अ डिप्रेशन, वो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। हर बार अपने भाई के नाम से कंपनी बना लेना, रिया चक्रवर्ती ने अपने नाम से कंपनी, उसको लाखों रुपए का गबन करना, इस प्रकार की चीज़ों को उसने, शी इज़ एक्सेप्टेड, लेकिन इंडिया टुडे में बिठा करके बड़े ही मज़े के साथ कहती हैं एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत मेरे सपने में आया था और उसने मुझसे ऐसा ऐसा कहा। अरे भैया, हमारे सपने में तो नहीं आया, तुम सपने में वो करती हो, यथार्थ में तुमने उसे मार दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं करती तुम। मैं रिया चक्रवर्ती के लिए फांसी की तो मांग करती हूँ, ताकि इस प्रकार से जो गरीब तबके का बच्चा सुशांत सिंह राजपूत जैसा अपने हुनर को दिखाते हुए जब एक स्टेज पे पहुँचता है और उसको बार बार ये कुछ खान गैंग्स के द्वारा, जो मैं स्पष्ट तौर पर नाम नहीं लेना चाहूँगी, जिस प्रकार से टारगेट किया जाता है, ठाकुरों को टारगेट किया जाता है, ब्राह्मणों को
को टारगेट किया जाता है, दलितों को टारगेट किया जाता है, ये बंद हो, मैं बस यही कहना चाहूंगी। मैडम जिस तरीके से आप देख रही है, जिस तरीके से परमवीर सिंह काम कर रहे हैं, रिपब्लिक भारत को दबाया जा रहा है, उसके पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या रिपब्लिक भारत पीछे हटने वाला है? बिल्कुल नहीं पीछे रखने वाले हैं। आप अभी जो है माननीय रिपब्लिक भारत के जो एडिटर हैं अर्णव गोस्वामी जी के लाइव को सुनिए आप। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं एक सेना के परिवार से हूँ, मैं आपको कोर्ट में खिंचीटूंगा, और इन सब चीज़ों को उन्होंने कथनी और करनी में उनके कोई फर्क नहीं है। जो उन्होंने कहा वो उन्होंने कर भी दिखाया। वो गए और उस पर 5 लाख का जुर्माना लगा और उनको देना पड़ा। तो सत्य पराजित नहीं होता, परेशान जरूर होता है, तो वही बात थी, सत्य परेशान हुआ लेकिन पराजित नहीं हुआ। तो क्या मैडम आप क्या देखते हैं, इस तरीके से अगर कहा जाए तो मुंबई में एक तरीके की तानाशाही चल रही है? बिल्कुल तानाशाही चल रही है मुंबई में। आप देखिए हमारे 18-18, 19-19 साल की लड़कियां जो कि अपने आप को एक बॉलीवुड में एक बड़े पर्दे पर देखने के लिए जाती है, उनके साथ पहले तो जिस्म फरोशी किया जाता है, मानसिक रूप से उनको उत्पीड़ित किया जाता है, और ये सब चीज़ जब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर हो जाता है तो लड़की या तो खुद सुसाइड कर लेती है, या जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत जी की जो पीए थी उनको उद्धव ठाकरे जी के बेटे ने, पूरी दुनिया इस चीज़ की घटना को भली भांति इस चीज़ से परिचित हो चुकी है। इस तरीके की चीज़ें जो है अक्सर जो है लड़कियों के साथ देखी जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में वर्तमान में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी की सरकार है वहां पर, और उसके नीचे चूंकि उस केस में जो है उनके माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के सुपुत्र भी थे, तो इस केस को दबाने की भरसक प्रयास की गई। बिहार से जब SSP जाते हैं वहां पर उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है, ये कर दिया जाता है। लेकिन मैं तो बस इतना ही कहती हूँ, मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। सत्य हम सभी के सामने आया। कल भी जो है यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत जी के समर्थन में देश के विभिन्न राज्यों से कम यहाँ हजारों युवा यहाँ पर एकजुट हुए और उनको इंसाफ देने की मांग की। सुशांत सिंह राजपूत के जो कि अब इस दुनिया में नहीं रह गए, वो दिवंगत आत्मा हो चुके हैं, उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के भी गले में जो है यहाँ पर मतलब उसके फोटो में जो है माला पहनाया। हम दोनों ने मृत हम सब लोगों ने उन दोनों को मृत घोषित कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत जी राजपूत की जगह पर अब रिया चक्रवर्ती भी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। मैम जिस तरीके से आप देख रहे हैं मुंबई में जो पावर का दुरुपयोग हो रहा है परमवीर सिंह, ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो वहाँ पर आम आदमी रहते हैं उनको इंसाफ कैसे मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं इंसाफ मिल सकता, इंसाफ की वहाँ पर बात ही नहीं हो पाती है। आप देखिए इतने बड़े दलदल से एक कंगना रनावत निकल कर आती है, आप उनका घर तोड़ दे रहे हो। अरे आपको कोई दिक्कत है, आप लीगल नोटिस भेजिए। अगर वो ज़मीन जो है गैर कानूनी है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अमिताभ बच्चन ने जो वहाँ पर जगह बना रखी है वो कानूनन है क्या? वहाँ पर सलमान खान की जो बिल्डिंग्स है कानूनन है? बिग बॉस में अश्लीलता जो परोसा जाता है तो क्या वो हमारे बच्चों के मानसिक पर एक गलत प्रभाव नहीं डालता? तो अगर कानूनन चीज़ की बात की जाए तो सब जगह कंगना रनावत को भी इस प्रकार से परेशान किया गया, जिससे ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती है कि वहाँ पर न्याय जैसी प्रणाली बची ही नहीं। जिसके पास पैसा है पैसा बोलता है, जिसके पास जितना पैसा है वो उतना बड़ा गुंडा है। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि रिपब्लिक भारत बहुत सारे राज जानता हो परमवीर सिंह के, जिस कारण परमवीर सिंह डरे हुए हैं कि अगर रिपब्लिक भारत ने वो राज खोल दिया तो उनकी जड़ें जाएगी? देखिए परमवीर सिंह जी के हाथ में अभी कुछ नहीं है, जो वो परेशान कर सकते थे उन्होंने परेशान किया। अब बारी अर्णव गोस्वामी जी को है उनको जवाब देने की। अब उसका जवाब जो है अर्णव गोस्वामी जी दे रहे हैं। जिस प्रकार से मैंने उनकी लाइव सुनी है, अर्णव गोस्वामी जी जिस प्रकार से बोल रहे थे कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, यानी बहुत बड़े राज हैं जो उनके पास बतौर सबूत है। लेकिन अर्णव गोस्वामी जी मूर्ख नहीं है जो पहले चिल्ला चिल्ला कर दुश्मनों को सतर्क कर दें, वो धीरे धीरे सबके राज खोलेंगे।